What's up guys, Twenzy here. और आज की वीडियो का सेटअप आपको जो है वो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि आज की वीडियो में मुझे करना था हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कर्ली हेयर्स, फ्रीजी हेयर्स को जो है वो वेवी हेयर्स को जो है वो कुछ इस टाइप के हेयर स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस प्लीज इग्नोर माय बियर्ड, मैंने जो है वो शेव वगैरह भी नहीं किया है और मैं कुछ दिनों तक करूंगा भी नहीं क्योंकि मैं जो है वो कुछ प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ अपनी बियर्ड के ऊपर। वैसे कुछ ग्रोथ यहाँ पर आ गई है, व्हाट डू यू से। एनीवेज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ मिथ ब्रेक करना चाहूंगा कि ये घंटा घंटा अपने सर के ऊपर जो है वो कैप डाल के रखने से, रुमाल बांध के रखने से, अपने बालों को जो है वो खींच खींच के एक साइड पे रखने से या दूसरी साइड पे रखने से आपका हेयर स्टाइल जो है वो नहीं बनता। आपके बाल सीधे नहीं होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं और वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। मैंने जो है वो इसी तरीके के काफी सारे हैक वैक देखे थे। तो भाई इन हैक वैक से कुछ नहीं होता है, आपका हेयर स्टाइल जो है वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा। आप जो है वो उसको दोबारा हाथ से बना भी नहीं पाओगे अगर वो बिगड़ जाता है तो। अगर आप जो है वो बाइक वगैरह चलाते हो, हेलमेट वगैरह डालोगे तो भी आपके बाल बिगड़ जाएंगे, या फिर आप जो है वो बाहर भी जाओगे ना हवा ही लगेगी आपके बालों को, थोड़ी सी तेज हवा आई नहीं आपका हेयर स्टाइल खत्म। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अपने बालों को थोड़ा डैम्प करना पड़ेगा, यानी कि जो है वो गीला करना पड़ेगा ताकि हेयर स्टाइल जो है वो मैं बिल्कुल जीरो से आपको जो है वो बिल्कुल 100 तक बनाकर दिखा सकूं। तो सबसे पहले मैं जाता हूं और अपने बालों को गीला करके आता हूं। One hour later. So guys, यहां पे as you can see कि मैंने अपने बालों को जो है वो डैम्प वेट कर लिया है, मतलब कि गीला गीला कर लिया मैंने अपने बालों को। तो अब मैं जो है वो सबसे पहले टॉवल से इनको थोड़ा सा सुखाऊंगा, ठीक है। आपको जो है वो टॉवल ऐसे 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 नहीं रखना अपने सर पे, ठीक है। आपको जो है वो इसको टैप टैप करके ऐसे थोड़ा सा ड्राई करना है। तो गाइस जो फर्स्ट स्टेप है वो है हेयर ड्रायर। अब जो कहते हैं लोग कि हेयर ड्रायर यूज करने से बाल डैमेज होते हैं, बालों को नुकसान होता है, अब वो गलत नहीं कहते हैं भाई, होता है ऐसा, लेकिन जो है वो अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो बिल्कुल होगा। तो भाई यहाँ पे जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप जो है एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्टर यहाँ पे जो है वो यूज करें। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कैटीन का नेचुरल हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, ठीक है। कोई स्पॉन्सर वॉन्सर, कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं है इस वीडियो में, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको बालों के ऊपर जो है वो सीधा स्प्रे भी कर सकते हो। मैं जो है उसको हाथ में पहले स्प्रे करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और जो है वो फिर इस तरीके से बालों पे इसको अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कर्ली हेयर्स का क्या हाल होता है भाई। जो जिन लोगों के हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ सकते हैं ना। ये देखो जो है वो जगह जगह बिल्कुल चिपक जाते हैं बाल आपस में। तो हेयर ड्रायर को यूज करने का बेसिकली मेन फंडा यही है कि हमको जो है वो हमारे बालों में से टैंगल को निकालना है। ये जो टैंगल हो रखे ना आपस में, देखो चिपक रखे हैं बाल आपस में सारे के सारे, इसको हमारे को निकालना है। क्योंकि ऐसे आप देखो वॉल्यूम भी कितनी कम लगती है बालों में और डेंसिटी भी कितनी कम लगती है बालों में, ऐसा लगता है डेंसिटी है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ये कर्ली हेयर्स होते हैं या वेवी हेयर्स होते हैं ये चिपके रहते हैं आपस में, तो इस करके जो है वो इसकी डेंसिटी ऐसे ऐसे करके कम लगती है। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, सारा कुछ करके तुम्हें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं हेयर ड्रायर यूज करूंगा फुल हीट के ऊपर, जो यहाँ पे दो लेवल होते हैं हीट के, मैं फुल हीट पे यूज कर रहा हूँ और फुल जो है वो स्पीड पे यूज करूंगा अभी। तो जैसा कि आपने अब गाइस अभी देखा मेरे को कि मैंने सारे बाल जो है वो इस साइड को हेयर ड्रायर किया है अभी, ठीक है। तो इस साइड का सारा टैंगल निकाला है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे इस साइड को, मतलब बैक साइड को। बैक साइड का सारा निकालने के बाद हम जो है वो फिर इस साइड को करेंगे, मतलब हमने हर साइड पे मतलब तीन डायरेक्शन में जो है वो हेयर ड्रायर अप्लाई करना है। फ्रंट की साइड कब करना है, क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो अब मैंने इस साइड कर लिया, अब मैं बैक साइड करूंगा। तो गाइस एज यू कैन सी मैंने बैक साइड का कर लिया है। कई लोगों का मैं यहाँ पे एक और डाउट क्लियर करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि भाई हेयर ड्रायर को ज्यादा पास से ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। अगर भाई ऐसा नहीं यूज करोगे तो आपके बालों के अंदर प्रॉपर टैंगल भी नहीं निकलेगा और प्रॉपर हेयर स्टाइल बनेगा नहीं बेसिकली आपका। यार आपने देखा होगा जो हेयर स्टाइलर्स हैं, बड़े बड़े हेयर स्टाइलर्स होते हैं जो, या फिर जो सलून वगैरह के आपने कुछ वीडियोज देखे हो, वो बिल्कुल क्लोज से यूज इसीलिए करते हैं भाई, उसके बिना काम नहीं चलता है। बेसिकली आपको हेयर ड्रायर क्लोज से यूज इसलिए तब नहीं करना चाहिए जब आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा रखा है। सिंपल सी बात है, अगर आपने जो है वो एक हीट प्रोटेक्टर यूज किया हुआ है तो उसका काम क्या है, यही है ना कि हीट से बचाना, तो भाई वो अपना काम करेगा। तो आप पास से भी लगा सकते हो, मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ऐसे लगा के रखोगे और चलने दोगे हेयर ड्रायर को, वो तो ऑब्वियसली आपके जो है वो स्कैल्प को भी डैमेज कर सकता है वो तो। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ उस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब जो है वो पीछे की साइड हमने कर लिया है, अब हम चलेंगे इस साइड को।
ऑल राइट, तो हमने तीनों साइड पे कर लिया है, ठीक है, दिस साइड दिस साइड दिस साइड। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका एक राउंड और लगाऊंगा, मतलब कि मैं यहाँ पे दोबारा लगाऊंगा, बैक साइड दोबारा लगाऊंगा और इसी साइड को दोबारा हेयर ड्रायर करूंगा। लेकिन अब मैं जो आपको हीट का एक लेवल कम कर दूंगा, ठीक है, स्पीड में पूरी रखूंगा लेकिन हीट का एक लेवल मैं कम कर दूंगा, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी ज्यादा क्लोज से इसको करने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं कि ये देखो बालों पे कंट्रोल देख रहे हो, बालों पे और एक वॉल्यूम देख रहे हो बालों में, ये देखो अब कहीं पे आपको कुछ कोई चीज विजिबल नहीं होगी, पहले कितना कुछ विजिबल हो रहा था। तो वो बस यही था कि बालों में जो है वो टैंगल रहता है, जो कर्ली हेयर्स होते हैं या फिर जो बेबी हेयर्स होते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे एक मेरे को जो है वो कंट्रोल एक मिल गया है बालों के ऊपर, तो इससे आगे मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अगर मुझे जो है वो मतलब लाइक जैसे अभी मैं घर में शूट कर रहा हूँ, अगर मुझे YouTube वीडियो घर में शूट करना है या फिर Instagram का कोई वीडियो घर में शूट करना है अगर मुझे, तो मैं इसके आगे कुछ नहीं करता, जस्ट मैं एक वैक्स लगाता हूँ अपने बालों को और फिर वो वैक्स क्या करती है मतलब होल्ड दे देती है बालों को और हेयर स्टाइल जो है वो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे यह वो एक बन जाता है, नॉर्मल एक हेयर स्टाइल जो है वो बन जाता है। लेकिन अगर मुझे कहीं बाहर जाना है और मुझे एक लंबा होल्ड चाहिए अपने बालों पे और एक अगर मुझे हेयर स्टाइल ऐसा चाहिए जो कि वो तांबे की तरह बिल्कुल सिल्की स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके का अगर मुझे हेयर स्टाइल चाहिए, ऑब्वियसली इस तरीके का हेयर स्टाइल अभी तो अचीव नहीं हुआ है और वो एक अकेले ब्रो मतलब लाइक हेयर ड्रायर से अचीव होता भी नहीं है। सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, हेयर ड्रायर सिर्फ आपको जो है वो टैंगल्स रिमूव करने में और अपने आपके बालों में वॉल्यूम लेके आने में हेल्प कर सकता है, इससे ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे वो अचीव करना है तो गाइज वहां पे कुछ स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं। तो जिन लोगों को सिर्फ इतना चाहिए कि मतलब लाइक टैंगल्स रिमूव हो जाए, तो आप ये जो है वो थ्री डायरेक्शनल वाला ब्लो ड्रायर इस टेक्निक से जैसा मैंने आपको समझाया वैसा करके आप करिए, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, मुझे मिलता है यार, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला स्टेप अगर आपको उस लेवल पे भी जाना है तो वो है एक हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग इसके लिए भी बोलेंगे कि ये हेयर तो डैमेज करता है, ये तो भाई इसके लिए मैं भी बोलूंगा कि ये हेयर्स को कुछ ज्यादा डैमेज करता है, ब्लो ड्रायर से काफी ज्यादा डैमेज करता है बालों को, लेकिन इसकी जो ये जो फिनिशिंग देता है ना वो भी कोई हेयर ड्रायर आपको फिनिशिंग नहीं दे पाएगा। और इसको मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कहीं मतलब जाना नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, इतना हेयर स्टाइल मेरे को अचीव हो जाता है इसके ऊपर। अब मैं मतलब वैक्स लगा के क्या स्टाइल स्टोरी करता हूँ मैं वो आगे बताऊंगा वीडियो में मैं आपको, ठीक है। तो अब अगर मुझे कहीं बाहर वगैरह जाना है या फिर किसी फंक्शन में शादी में ऐसे कहीं पे जाना, मुझे कहीं लंबा हेयर स्टाइल और एक बढ़िया लुकिंग एक लंबे समय के लिए चाहिए, फिर मैं इसका यूज करूंगा। अब हेयर ड्रायर का तो हो गया है, अब मैं इसका यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बालों को जो है वो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं फ्रंट साइड पे अपने सारे बालों को लेके आऊंगा, मतलब ऐसे आगे लेके आऊंगा अपने सारे बालों को, फिर जो है वो पीछे से लेयर सिस्टम वाइज मतलब लेयर वाइज मैं बालों को स्ट्रेट करूंगा। अब मैं वो दिखाता हूँ वो कैसे होगा, बालों को मैं इसको कर लूंगा बिल्कुल ही मतलब नो हीट, कोल्ड उस पे कोल्ड एयर पे, और जो है वो इसको कम कर लूंगा। अच्छा तो नहीं लग रहा हूं मैं बिल्कुल भी, मुझे पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहां से मैं क्या करूंगा पता है गाइस, मैं पीछे से लेयर वाइज अपने बालों को उठाऊंगा और उनको स्ट्रेट करता जाऊंगा स्ट्रेटनर से। अब वो आप जो है वो वीडियो में देख लो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोल के अगर बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। अगर आपके बाल जो है वो गाइस थोड़े से लंबे हैं तो आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो, अगर आप जो है खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप इस किसी की हेल्प ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप देख सकते हो भाई मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। और कई लोगों को मतलब लाइक के डैमेज हो जाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे, ऊपर से कर देते हो, ऊपर से करने को कोई फायदा नहीं। देखो अगर आपके जड़ से जो नीचे वाले बाल है ना, मतलब जड़ तो नहीं लेकिन जो नीचे वाले बाल है, अगर वो अगर उसमें प्रोडक्ट नहीं लगेगा, उस पर हेयर ड्रायर नहीं लगेगा, उस पर कुछ लगेगा नहीं, वो थोड़ी देर बाद अपने फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका ऊपर का हेयर स्टाइल आप मतलब लाइक आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, बेसिकली कहेंगे ना आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो ऊपर का हेयर स्टाइल आपका जैसा मर्जी हो वो खराब होना ही है, ऊपर से अगर आप करके जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो है वो स्ट्रेटनर लगाना है, मैं इस तरीके से लगाता हूं।
गाइस यहाँ पे आप एक और चीज अगर आप नोटिस करो तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं नीचे से बाल को उठाता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे से मैं बाल उठाता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ तो ऊपर लेके जब टिप पे मैं पहुंचता हूँ तो मैं उसको इस तरीके से राउंड कर देता हूँ बैक साइड की तरफ। अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बालों को डायरेक्शन दे रहा हूँ कि उनको किस साइड पे सेट होना है। ओके, अगर आपको किसी भी साइड पे आपने सेट करना है, कोई भी जो हेयर स्टाइल बना रहे हो, जैसे मैं ब्रश अप हेयर स्टाइल बना रहा हूँ तो जिसमें मेरे बाल लाइक साइड से कम होते हैं थोड़े से और ऊपर को जो है वो मैंने कॉम करके रखना है बालों को, तो मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ। आप जो सा हेयर स्टाइल बना रहे हो आप उसी हिसाब से अपने बालों को जो है वो स्ट्रेटनर या फिर जो है वो हेयर ड्रायर करोगे। ठीक है, आप डिफरेंस देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अभी जो है वो स्ट्रेटनर नहीं लगा है और यहाँ लग चुका है, तो आप अपने आप देख सकते हो इन अलग ही शाइन है और अलग ही एक जो है वो सिल्कीपन आता है बालों में स्ट्रेटनर से, क्योंकि वो जो एक छोटे 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 टैंगल्स होते हैं ना, जो मतलब एक बिल्कुल से एक स्ट्रेट बाल होता है और एक जो है वो मान लो आपने हेयर ड्रायर लगा लिया, आपने जो है वो टैंगल वगैरह रिमूव कर लिए, ठीक है, लेकिन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला जो हेयर होता है उसका टेक्सचर अलग ही दिखता है आपको, उसकी तो बात उसकी बात अलग ही दिखेगी भाई, वो अचीव करना है तो वो ऐसे ही होता है। पसीना आ गया भाई मुझे थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन ये है कि जैसे मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एक एक बात एक्सप्लेन करनी पड़ रही है और फिर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप जो है वो इसको लगातार करोगे और प्रैक्टिस अगर आपको हो जाएगी तो फिर ये 5-10 मिनट से ज्यादा की गेम नहीं है आपके लिए। तो नाउ गाइस एज यू कैन सी, अब आप जो वो बालों में एक स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट देख सकते हो और एक जो है वो कंट्रोल जो है वो बालों में आप देख सकते हो, बिल्कुल जो है वो बाल एकदम स्मूथ हो गए हैं, थोड़े से सिल्की भी हो गए हैं। ठीक है, तो ये कमाल होता भाई हेयर स्ट्रेटनर का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने अपने बालों का भी क्या किया है, हमने सिर्फ इनमें से टैंगल निकाला है और जो है वो इनको स्ट्रेट किया है, अब स्टाइलिंग हमने करनी है, हेयर स्टाइल अब हमने बनाना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, तो गाइज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अर्बन गबरू का इन्फिनिटी क्ले वैक्स। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया है मेरे लिए, कोई स्पॉन्सर वॉन्सर कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं, आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है, देखो तो ये अच्छा है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाटर सोलेबल है। ठीक है, मतलब कि ये पानी से इजीली निकल जाता है, मतलब ज्यादातर हेयर वैक्स या फिर अगर आप कोई हेयर ऐसे प्रोडक्ट्स लगाते हो क्ले वगैरह लगाते हो तो आपको जो है वो शैम्पू करना पड़ता है रात को सोने से पहले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप सिर्फ पानी से इसको धो लो और ये निकल जाता है सारा। अब यहाँ पे मैं इतना वैक्स लूंगा, अब इसको अपने हाथों पे इस तरीके से रब कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल खत्म है, ऐसे दिखना नहीं चाहिए आपके हाथ में बिल्कुल भी, और आपको सबसे पहले साइड्स कवर करनी है अपनी। ठीक है, साइड्स से सबसे पहले बालों को कवर कीजिए, और कई लोग कहते हैं कि भाई हेयर वैक्स को बस आपने बाहर बाहर से लगाना है, नहीं, आपको बालों के अंदर इस तरीके से लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना, स्कैल्प पे जैसे हम तेल लगाते हैं ना मसाज करते हैं वो नहीं करना, ऑयलिंग की तरह नहीं लगाना इसको, लेकिन आपको लगाना सारे बालों पे ही है, आपका अंदर के बालों पे नहीं लगाया, आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं तो क्या फायदा, फिर हेयर स्टाइल टिकेगा ही नहीं ज्यादा देर तक, हमको जो है वो हेयर स्टाइल को ज्यादा देर तक टिकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल कंट्रोल आ गया, मैं अपने बालों को इस साइड करूंगा ये इस साइड हो जाएंगे, इस साइड करूंगा इस साइड हो जाएंगे, और मेरे को यही मैं हेयर स्टाइल यहाँ पे रखता हूँ। थोड़ा सा अब इसके अंदर अगला काम भी है, ठीक है, कुछ स्टेप्स और भी हैं अभी इन जो है वो हेयर स्टाइल को एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए, एक अच्छा हेयर स्टाइल टेक्सचर देने के लिए। तो नेक्स्ट यहां पे अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हेयर वैक्स को लॉक करने के लिए और अपने हेयर स्टाइल को इसी तरीके से लॉक करने के लिए कोल्ड हेयर ड्रायर मारूंगा मैं, ये देखो हीट बिल्कुल ऑफ है, कोल्ड हेयर ड्रायर मैं लगाऊंगा इसके ऊपर। तो गाइस एज यू कैन सी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो हेयर स्टाइल सेट है, ये थोड़े थोड़े यहाँ से निकल रहे हैं, इसको आप एक्स्ट्रा हेयर वैक्स लगा के इस तरीके से अंदर सेट कर सकते हो, कोई ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये होते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगला स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप भी सोचोगे कितने सारे स्टेप्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में जो है वो सब कुछ पता लग जाए। तो गाइज अगर आपको जो है वो अपने बालों को ये वाला टेक्सचर देना है, आपने देखा होगा कि लोग ये वाला टेक्सचर देते हैं अपने बालों को,
ठीक है, के बालों में एक लेयर लेयर टाइप टेक्सचर दिखता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। आपको चाहिए होगी एक ऐसी कॉम। अब यहाँ पे जो है वो इसके जो है वो जो टीथ है मतलब कि जो दांत है वो ज्यादा गैपिंग वाले नहीं है, क्योंकि मेरे को जो है वो ये इतना टेक्सचर मुझे सही लगता है। ठीक है, आपको जिस हिसाब से चाहिए वो आप ले सकते हो। लेकिन अब इसको करना कैसे है, आपको कोल्ड हेयर ड्रायर ही मारना पड़ेगा थोड़ा सा। सो नाउ एज यू कैन सी गाइज, ये मेरा फाइनल स्टेप होता है। वैसे ये भी फाइनल स्टेप नहीं है, इसके बाद एक और स्टेप आता है। अगर आपको इस हेयर स्टाइल को जो है वो एक तकड़ा होल्ड देना, मतलब कि लाइक किसी भी तरीके से ना हिले, कभी खराब ना हो, तो आप इसके बाद एक और स्टेप लगा सकते हो, वो है आपका हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे अभी मेरे पास है नहीं, मेरा खत्म हो गया है, नया मैंने मंगाया नहीं, क्योंकि मैं बाहर आजकल मुझे जाना पड़ता नहीं है, किसी शादी फंक्शन होते नहीं है, कोई गैदरिंग आजकल होती नहीं है, तो कहीं पे जाना आना जाना आजकल है नहीं, तो मैंने नया मंगाया भी नहीं। हेयर स्प्रे आप में से पता होगा लोगों को, आप जो है वो इस तरीके से हाथ रख के बस अपने बालों को इस तरीके से हेयर स्प्रे कर लो, उसके बाद आपका जो हेयर स्टाइल है जो भी आपने बनाया है वो जो है वो आपका लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार के एक अच्छा सा टेक्सचर वाला हेयर स्टाइल जो है वो स्ट्रेट हेयर टाइप का हेयर स्टाइल, टेक्सचर वाला हेयर स्टाइल हमने यहाँ पे जो है वो बनाया है बिल्कुल कर्ली और जो है वो एक वेवी हेयर से। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस, यू कैन डू एनीथिंग।